नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज के वीडियो में जो आप फूल देख रहे हैं ना, यह फूल सभी कोई जानते हैं, बूढ़े से लेके बच्चे हर कोई जानते हैं। और दोस्तों यह फूल क्यों नहीं जाने, क्योंकि यह हर किसी के गार्डन में, बगीचे में, गमले में यह फूल देखने को मिल जाता है और बहुत ही सुंदर होता है। जी हाँ दोस्तों, हाँ आज इसी फूल के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों फूल को बारे में सब कोई जानते हैं, करीब करीब सभी लोग जानते हैं या नाम भी जानते हैं, इसकी सुंदर जो सुंदर फूल है ये भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसके औषधि गुणों से बहुत कम लोग जानते हैं, ना के बराबर जानते हैं कि इसका औषधि रूप में कितना प्रयोग होता है। बहुत सारे ऐसे समस्या हैं, जो शारीरिक समस्या जो हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, उसको सही करने के लिए यह गेंदा का फूल के पत्ते, बीज, फूल सब का प्रयोग होता है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बने रहें, आपको इसी गेंदा के पत्ते, फूल, पत्ती के बारे में विस्तार से बताऊंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जो पेड़ पौधे होते हैं ना, हमारे घर के आसपास ही होते हैं, लेकिन दोस्तों इसके औषधि गुणों से हम लोग अनजान होते हैं, जिसके वजह से नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों आज हम गेंदा के फूल के ही बारे में बात करेंगे, तो बने रहें वीडियो में। गेंदा के फूल को मेरी गोल्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, और देख लीजिए इसके ये इस तरह से बीज होते हैं। ये फूल के नीचे जो होता है ना, बीज होता है, छल्ली से होता है, वही बीज है ये। इसके अगर फ़ायदे की बात करें, अगर किसी के आँख में इन्फेक्शन हो गया है, आँख लाल हो गया है, फिर या फिर आँख आने की समस्या होती है, फिर आँख में जलन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या है आँख में लेकर के, तो दोस्तों बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। आप इसके पत्ती को तोड़ लें, कुछ पत्ती को तोड़ करके और उसको पीस कर लुब्धी बना लें, फिर रुई के साथ इसको लगा करके आँख के ऊपर रख करके 10 से 15 मिनट तक आप इसको एक पट्टी की तरह बांध लें। दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या, इसी तरह आपको सुबह शाम करें, दोस्तों किसी भी प्रकार का समस्या हो ना, वो जड़ से खत्म कर जाता है। अब बहुत ही नेचुरल है, आपके घर के आसपास मिल जाता है। इसके बाद अगले फायदे की बात करें दोस्तों, कान की समस्या हो, जैसे कानों में कभी कभी मवाद आता है, कानों में दर्द होता है, या फिर अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर फोड़े फुंसी हो जाता है, तो बहुत खतरनाक दर्द होता है, बहुत असहनीय दर्द होता है। कभी कभी कान में देखे होंगे कि फुंसी हो जाता है, तो उसके वजह से बहुत दर्द होता है। दोस्तों कान की अगर समस्या है, इस तरह से प्रॉब्लम है, तो उसमें भी यह गेंदा का पत्ती का बहुत अच्छा प्रयोग है। तो ध्यान से सुनिएगा इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों क्या करें, गेंदा का कोमल कोमल पत्ती तोड़ लें, 4-5 पत्ती ले आएँ, उसको बाद इसको पीस करके उसका रस निकाल लें, 2 से 3 बूंद के बराबर उसका रस लें और कान में उसको टपकाएं। इस तरह से सुबह शाम करें दोस्तों, कानों में लेकर कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो, या कान से मवाद आ रहा हो, दर्द हो रहा हो, या फोड़े फुंसी की समस्या हो, या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है गेंदा के फूल के पत्ती का रस। किसी को अगर बवासीर की समस्या है, दोस्तों बवासीर तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बवासीर से परेशान हैं, चाहे खूनी हो या बादी, दोनों तरह बवासीर के लिए रामबाण वाली इलाज है दोस्तों यह गेंदा का फूल। ये कई जगह आजमाया हुआ है, इसलिए दोस्तों ये इसको विश्वास करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर हो गया है, चाहे खूनी या बादी, इसके लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप क्या करें, गेंदा का जो फूल पत्ती होते हैं ना, उसको ढेर सारा ले आए, उसको पीस करके और उसमें मिश्री मिला लें, मिश्री मिला करके उसका आप सेवन करें। दोस्तों इस तरह से आप सुबह शाम करिए, किसी भी प्रकार का अगर बवासीर है, और फिर दोस्तों जहाँ अगर बवासीर जिस जगह पर है ना, वहाँ पे मस्से निकल आते हैं, तो आप इसके पत्ते को पीस करके उस मस्से पे इसका पेस्ट भी लगाएं, तो बहुत अच्छा राहत मिलेगा। और कुछ दिन कंटिन्यू लगाएंगे ना, तो उसको सुखा करके झड़ जाता है। और दोस्तों खूनी बवासीर है, उसको भी यह सही करता है। उसके लिए आपको क्या करना, जैसे मैंने बताया कि पत्ते को पीस करके और उसमें हल्का मिश्री मिला करके आप उसका सेवन करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ज़बरदस्त उपाय है दोस्तों, अब बिल्कुल नेचुरल है आपके। तो आज के समय में मुहासे, चेहरे पे फोड़े फुंसी की समस्या बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में पॉल्यूशन, खान पान सही नहीं होने के वजह से, या फिर तले भुंजे खाने के वजह से, दोस्तों कई कारण होते हैं जो चेहरे पे फुंसी और मुहासे, दाग धब्बे निकल आते हैं। तो
तो दोस्तों उससे चेहरा भी ख़राब लगता है और बहुत ज़्यादा आसनीय कभी कभी पीड़ा भी होता है, दर्द भी होता है। तो दोस्तों अगर महिला हो या पुरुष दोनों इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत आसान प्रयोग है दोस्तों। आपके घर आंगन में यह पौधा आसानी से मिल जाता है। आप इसका फूल और पत्ती का प्रयोग करके अपने चेहरे से कील, मुहासी, झाइयाँ, पिंपल, एक्ने जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बस दोस्तों बहुत आसान है इसका प्रयोग करना। आप इसको लगा करके दोस्तों यकीन मानिए आपके चेहरे में एक सप्ताह के अंदर आपका चेहरा सुंदर और कोमल और चमकदार, या फोड़े फुंसी की समस्या है उसको भी यह सही कर देगा। ये बहुत साधारण सा प्रयोग है दोस्तों। जैसे इसके पत्ती ले आए और कुछ फूल के पंखुड़ी ले आए, उसको दोनों बराबर मात्रा में पीस करके पेस्ट बना लें और अपने चेहरे पर लगा करके 5 मिनट छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथों से हल्का हल्का मसाज करें। 5 मिनट तक उसको भी मसाज करना है, हल्के हाथों से इसको मसाज करें। इसके बाद नॉर्मल पानी से धुल लें। 6 से 7 दिन आप कंटिन्यू प्रयोग करें दोस्तों। ये आप यकीन मानिए आप देख करके हैरान हो जाएंगे। इतना अच्छा ये मेडिसिन है, बिल्कुल फ्री है, नेचुरल है और दोस्तों 1 रुपया इसमें खर्च नहीं करना है। और अपने चेहरे को आप सुंदर, कोमल और एक्ने मुक्त और फोड़े फुंसी से मुक्ति पा सकते हैं और सुंदर बन सकते हैं। तो अगले फायदे की बात करें, ये जो गेंदा फूल के जो पीछे वाले भाग में जो ये बीज निकला है इसका प्रयोग मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज का जो ये जो नुस्खा है ये बहुत बेहतरीन है। आप इसका प्रयोग करके बहुत सारे समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जो ये जो गेंदा फूल के जो नीचे वाले पार्ट में जो बीज होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। ये क्या करें, गेंदा फूल को ले आएँ और उसको तोड़ करके उसका बीज इकट्ठा कम से कम 20 ग्राम तक आप कर लें। उसका जो गेंदा फूल का बीज होता है ना, 20 ग्राम के आसपास उसको इकट्ठा कर लें। और उसमें दोस्तों क्या करना है, 50 ग्राम मिश्री, जी हाँ दोस्तों रॉक शुगर बोलते हैं उसको, वो आप ले आएँ और उसको पीस करके दोस्तों दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके और एक चूर्ण बना लें। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक डब्बे में, जी हाँ दोस्तों एक कंटेनर ले लें, डब्बे ले लें, बोतल ले लें, उसमें उसको भर करके रख लें। तो आप सुबह शाम खाली पेट 1 चम्मच की मात्रा में, 5 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण को लें और 1 गिलास हल्का गर्म दूध लें और इसको सेवन करें। तो मेरे बताए उन्हें अगर आप कंटिन्यू इसका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आपके जो पारिवारिक सुख है वह बरकरार रहता है। आपके शरीर में कमजोरी जो है उसको दूर करता है। आपकी जो शुक्राणु, शरीर में शुक्राणु की कमी हो गया है उसको यह पूरा करता है। आपकी वैवाहिक जीवन को संपूर्ण बनाता है। स्तंभन शक्ति बढ़ जाएगी और आपकी पौरुष जीवन वह बेहतरीन हो जाएंगे। तो आपकी शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, किसी भी प्रकार की कमजोरी या आपके मानसिक विकार, उस सारी समस्याओं से छुटकारा पाता है। इतना अच्छा इसका फूल के जो बीज होते हैं ना, जो मेरे हाथ में देख रही है, ये देखिए इस तरह से आपको बीज इकट्ठा करना है। इसका पंखुड़ी हटा देना है, इसका सिर्फ बीज लेना है और इसी में मिश्री मिला लें। जैसे 20 ग्राम की मात्रा में आप इसका बीज लिए हैं तो 50 ग्राम मिश्री बना लेकर के इस रेशियो से आपको सुबह शाम इसका सेवन करना है। दोस्तों यकीन मानिए बहुत बेहतरीन औषधि है। अगर नहीं आप इसका प्रयोग किए हैं तो आप प्रयोग करके देखिए, आप यकीन मानिए। आप खुद मेरे ऊपर चैनल पे आकर के कमेंट करेंगे, आपने जो बताया था बहुत बेहतरीन औषधि बताया था। तो आप कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा की शक्ति होती है, आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होती है और आपकी मानसिक किसी भी प्रकार की समस्या हो, अनहोनी ताकत की समस्या हो, शारीरिक कमजोरी, सारे समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत बेहतरीन औषधि है। फायदे की बात करें, जिन महिलाओं के स्तन में गांठ हो गया है, जी हाँ दोस्तों महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है स्तन में गांठ हो जाता है, उस गांठ को सही करने के लिए दोस्तों यह जो गेंदा का फूल है ना बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों, इससे कोई तरह दिक्कत नहीं होगा। आप क्या करें, गेंदा का फूल ले लें और उसका लुब्धी बना करके जिस जगह पे गांठ है वहाँ पे लुब्धी लगा करके आप 10 से 15 मिनट डेली रखें। आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिन में आपका जो गांठ है ना वो धीरे धीरे गलने लगता है और कुछ दिन में वो गल करके खत्म हो जाता है। बिल्कुल नेचुरल इलाज है और बहुत कम लोगों को यह पता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बहुत बेहतरीन जानकारी है।
दोस्तों अगर किसी को पेशाब संबंधी समस्या हो जाता है, जैसे कि पेशाब रुक रुक के आता है, फिर या फिर जलन होता है, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या पेशाब बार बार आने की समस्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो दोस्तों, उसमें भी बहुत अच्छा गेंदा का प्रयोग है दोस्तों। बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, आप इसके पत्ती का निकालें और उसका एक रस निकालें, कम से कम एक चम्मच के बराबर आप उसका सेवन करें, सुबह शाम करें दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का मूत्र विकार हो वह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। और दोस्तों यह पेशाब संबंधी कोई भी समस्या हो ना, वो जड़ से ख़त्म हो जाए दोस्तों। अगले फायदे की बात करें, अगर किसी को धारदार हथियार से कट गया हो, या पुराना घाव हो, या किसी प्रकार का ब्लडिंग हो रहा हो, तो दोस्तों उस जगह पे भी आप अगर किसी को घर में काम कर रहे हैं या गार्डन में काम कर रहे हैं, अगर कोई हथियार से कट गया हो, चोट लग गया हो, तो वहाँ पे भी आपको गेंदा का फूल मिले, तो दोस्तों कुछ ना देखिए, आप इसकी पत्ती को लिए और मसल करके उसका रस उस पर लगा दें, या आप उसका पेस्ट बना करके उस जगह पर लगा दें, तुरंत खून को रोकता है दोस्तों, आपका घाव भरता है, किसी प्रकार का दर्द हो रहा हो उसको भी यह सही करता है, सूजन हो गया उसको भी सही करता है। तो दोस्तों गेंदा फूल के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे इसके प्रयोग हैं आज आयुर्वेद में, लेकिन दोस्तों नहीं लोग जानते हैं इसके फायदे के बारे में, इसी वजह से इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हमने बताया गेंदा फूल के कुछ फायदे के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, इसीलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लाते हैं आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए औषधि के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।